I icon, ये body of I icon greater on और lesser on होता है I icon. ये thyroid cartilage जिसके दो lamina होते हैं, right lamina, left lamina दोनों midline में fuse होंगे और बनाएंगे laryngeal prominence या Adam's apple. ये supra thyroid notch, ये thyrohyoid membrane, ये cricoid cartilage है, ये thyrocricoid membrane. ये थायराइड कार्टिलेज का जो है इन्फीरियर थायराइड कार्टिलेज का इन्फीरियर कॉर्न हुआ और ये सुपीरियर कॉर्न हुआ. ये क्रिकॉइड कार्टिलेज है, ये सिग्नेट रिंग के इसकी अपीयरेंस होती है. इसका लेमिना जो है पोस्टीरियर साइड पे होता है और ये जो है ना आर्टिकुलेट करती है विद द थायराइड कार्टिलेज ऑन द लेटरल सर्फेस. ये रेटिनॉइड कार्टिलेज है, कॉर्निकुलेट कार्टिलेज जो ये क्रिकॉइड कार्टिलेज है आर्टिकुलेट करता है विद द रेटिनॉइड कार्टिलेज ऑन द पोस्टीरियर सर्फेस. ये ट्राइटीशियल कार्टिलेज, ये ट्रेकिया, ये ट्रेकियल रिंग्स हैं और ये जो फर्स्ट मेम्ब्रेन होगी ये होगी क्रिकोट्रेकियल मेम्ब्रेन. ये थायराइड ग्लैंड, इसका ये राइट लोब है और ये इस्थमस ऑफ द थायराइड ग्लैंड. ये ट्रांसवर्स रेटिनॉइड मसल जो मिड वाला है और ऊपर और नीचे जो है वो ऑब्लिक रेटिनॉइड मसल, पोस्टीरियर क्रिको रेटिनॉइड मसल. लेटरल ये है इन्फीरियर फेरेंजियल कॉन्स्ट्रिक्टर मसल और ये है क्रिको थायरॉइड मसल. ये इसकी दो वैलीज होती हैं, ये एंटीरियर वाली जो है वो स्ट्रेट वैली और पोस्टीरियर वाली ऑब्लिक वैली है. ये ट्रैकियलिस मसल, ये एपिग्लॉटिस है, एरिया एपिग्लॉटिक फोल्ड. ये दो ट्यूबरकल्स हैं, ऊपर वाला जो है वो यूनिफॉर्म ट्यूबरकल और नीचे वाला कॉर्निकुलेट ट्यूबरकल. ये वैलिक्यूला है, वैलिक्यूला और ये जो है पेरिफॉर्म फोसा या पेरिफॉर्म रिसेस. फिर ये जो है सुपीरियर एक्सटर्नल लैरिंजियल नर्व और ये सुपीरियर लैरिंजियल आर्टरी. इससे ब्रांच आती है सुपीरियर थायरॉइड आर्टरी. ये रिकंड लैरिंजियल नर्व, ये इंटरनल लैरिंजियल नर्व और इसके ब्रांच होता है इंटरनल ब्रांच होता है इंटरनल लैरिंजियल नर्व और ये एक्सटर्नल ब्रांच होता है इंटरनल लैरिंजियल नर्व. एक्सटर्नल जो है ये सारी पोस्ट एक्सटेंड करी है.